ICTM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं संदीप तवर, आज हम महेंद्रगढ़ में उपस्थित हैं। हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि जो नागरिक संशोधन है उन पर दुकानदारों की क्या राय है, युवाओं की क्या राय है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्या राय है। हमारे साथ आप बने रहिए। हम दुकान वालों से पूछेंगे कि आज के नागरिकता संशोधन पर इनकी क्या राय है। सर, ICTM मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार से आप इसको ठीक समझते हैं सर? भाई ठीक है, हिंदुओं के पक्ष में और क्या है। तो सर, जो विपक्ष वाले हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, हर आदमी का अलग लग रहा है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ यहाँ पर और भी साथी है जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी राय लेंगे। जो नागरिकता संशोधन है इस पर आपकी क्या राय है? सर बिल्कुल सही किया है, एकदम बिल्कुल। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इससे बहुत उनका अस्तित्व खतरे में था, उससे काफ़ी मदद मिलेगी और होना भी चाहिए ये। तो सर, जो विपक्ष वाले हैं वो अपनी भूमिका अपने तरीके से निभा रहे हैं, उसके बारे में क्या? वो उचित नहीं है, वो बस यही है, आपस में सरकार का तो काम यही है, राजनीति आपस में पार्टियां गिराना एक दूसरे का, तो बिल्कुल उचित नहीं समझते इस चीज़ को। जो सर, जो व्यवस्था बाहर बनी हुई है नागरिकता संशोधन पर, यदि वैसी अवस्था अपने महेंद्रगढ़ में हुई तो उसके बारे में आप किस तरह से देखेंगे उसको? देखने की यही है, मना करेंगे कि उसका साथ नहीं दें, नागरिकता संशोधन का उसको समर्थन करें। सर आपकी क्या राय है? सर राय ये है, ये हिंदू नहीं, कोई भी जी भारतीय नागरिक हो, ये हर किसी के पक्ष में है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भारतीय नागरिक के लिए इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो महेंद्रगढ़ एक एजुकेटेड सिटी है। बस स्टैंड के पास जो दुकानें हैं, दुकानदार भाई हैं, हम उनसे भी पूछेंगे नागरिकता संशोधन पर उनके क्या विचार हैं। ICTM मीडिया में स्वागत है। सर, जो नागरिकता संशोधन है इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अच्छी बात है, ये देश हित के लिए अच्छा काम हो रहा है, हम तो इसमें समर्थन में इसके। जो विपक्ष वाले हैं वो अलग तरीके से देख रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या? उसका नहीं पता हमें, हमारा पता हम बता, हम अच्छी चीज़ है ये। जो नागरिकता संशोधन है इसके बारे में क्या कहोगे आप, क्या राय है? यार मेरे ऊपर काम कुछ राय नहीं। थैंक यू। जो नागरिकता संशोधन लागू हुआ है सर, उसके बारे में आप क्या बताओगे? आपकी नज़र में सही है या गलत है? सही है। किस प्रकार से सही है? जी अच्छा है, सब प्रकार से। सर, जो नागरिकता संशोधन लागू हुआ है वो सही है या गलत? मैं पूर्ण रूप से उसका समर्थन करता हूँ और वो बिल्कुल सही है। सर सही किस प्रकार से बताओ? देखिए कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ था, वो एक धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है, लेकिन उधर जो माइनॉरिटी थी, जो हिंदू थे, अदर धर्म था, मुस्लिम को छोड़कर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी थी वो कम होती चली गई, वो 18% थे, वो आज 3% या 1% के समझो। अगर जब उधर कम होते चले गए तो देश ने, वहाँ अत्याचार हो रहे थे, इधर उन्होंने नागरिकता देने की सोच ली कि जहाँ उन पर अत्याचार हो रहे हैं उनको यहाँ नागरिकता दी जाएगी, वो शरणार्थी हैं, इसमें बताओ गलत क्या है? जो सर विपक्ष वाले हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहो? विपक्ष बेवजह है, बेबात है, और उनको अल्लाह करने से मतलब है, उनको इस देश के बारे में कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, इस देश के विकास में उन्होंने कुछ नहीं देना, उन्होंने अपनी राजनीति करनी है, वो राजनीतिक स्वयं के लिए अल्लाह कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही विल है। किस प्रकार से सही है? सही है, देश के लिए भी सही है, वैसे भी सही है। जो सर विपक्ष वाले हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप उसको किस नज़र से देखोगे? वो भी देखो, देश के लिए तो बिल्कुल सही है, जो बाहर से आके आतंकवादी हमले होते हैं जो देश में, वो उसके कारण ये सब अच्छा बिल पास किया गया है। सर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है भाई साहब। किस प्रकार से? जैसे विपक्ष वाले आते हैं वो सही बात कह रहे हैं, ठीक है, तो जो आतंकवादी हमले होते हैं उनको रोकने के लिए। हम और लोगों की भी राय लेंगे कि नागरिकता संशोधन पर उनके क्या विचार हैं, क्या विचार नहीं है, हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे। फिर जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है उस पर आप क्या? भाई सही चल रहा है ये काम। हाँ बताओ किस तरीके से आपको सही लगे? आज के युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे, इसी वास्ते। जो नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है उस पर क्या बताओगे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। किस प्रकार से ये संशोधन हुआ है? एक नागरिक तौर पे एक जो सभी नागरिक हैं उनको लाभ पहुंचेगा, और जो भी आम नागरिक है वो इसका लाभ उठा पाएंगे। सर
सर, जो नागरिकता संशोधन हुआ है उस पर आप क्या? वो लगभग अगर आप पढ़ के देखोगे तो बहुत ठीक है, और जो ये हाउल्ला मचा रखा है इसके बारे में वो बहुत गलत है। आप अगर पढ़िए, आपको गलत लगता है तो आप इसके ऊपर आंदोलन कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसे तो गलत है। ये मुसलमान है, जो भी है, राजनीति के प्रतिपक्ष होके भी ये विरोध कर रहे हैं, बहुत गलत है। और दिल्ली में जो हिंसा हो रही है वो भी बहुत गलत है। दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला कर रखा है, एक दिन फायरिंग भी हुई है, वो भी बहुत गलत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों को पहले पढ़ना चाहिए, सहमति देनी चाहिए, अन्यथा ऐसे विरोध करने में कोई फायदा नहीं। फिर जो विपक्ष वाले हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनके हिसाब से, तो उनके बारे में आप क्या बताओगे? ये कोई भूमिका थोड़ी है विरोध करना, ऐसे विरोध थोड़ी होता है। आराम से करो, शांतिपूर्वक। ऐसे दुकानें फोड़ दी या गाड़ियों में आग लगा दिया, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी विरोध होता है। विरोध करो, आराम से जंतर मंतर बैठ कर धरना दो, ऐसे होता है। हिंसा फैलाने से कोई ऐसा काम नहीं होता। धन्यवाद सर।